दोस्तों आज की कहानी है डिलीवरी के समय बहू के हिज्जे में आराम कब होता। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सहरा सब कुछ व्यक्त कर देता है। निकी बहू तो आज भी मुझे कुछ नहीं बताएगी, क्यों सही कह रही हो ना। दादी सास के कमरे में रात को पानी का जग रखने आई निकिता के सहरे के उकड़े भाव देखकर दादी सास ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दादी जी, आप तो उनकी सास हैं, आपसे बेहतर उनको कौन समझता होगा। कहकर निकिता कमरे से चली गई। अपने कमरे में जाकर कमर सीधी करने को लेटी ही थी कि याद आया कल सास ने छोले भटूरे बनाने कहा है और वो सन्ने भिगोना भूल गई थी। किसी तरह बेमन से वो उठी और रसोई की ओर जाने लगी। अरे अब रात को क्या काम याद आ गया, चलो सो जाओ। कब दिन से रात हो जाता तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे अवस्था में थोड़ा आराम कर लिया करो, पता नहीं किसी को तुम्हारी हालत दिखाई क्यों नहीं देती है। बिस्तर पर लेटे लेटे पति मयंक ने कहा, वो सने भिगुने थे भूल गई, बस वो काम निपटा कर आती हूँ। कहकर वो रसोई की ओर चल दी। एक काम कह दो जो एक बार में महारानी जी को याद रह जाए। अरे काम ही क्या होता है घर का, रसोई ही तो संभालना है, बाकी काम के लिए नौकर चाकर तो हैं ही। अब ये काबुली सने भी न जाने कहाँ रखी हैं, मिल ही नहीं रही बुन बुनाते। वे रसोई में निकिता की सास काबुली सने खोज रही थी। आप क्या कर रही हैं माँ, कुछ चाहिए था क्या। कहते हुए निकिता सने निकाल कर पानी में भिगो दी। यही काम जो तुम भूल गई थी करने आई थी, कभी तो एक बार में कर लिया करो। जब तक बार बार ना बोलो काम नहीं होता, सास ने कहा और रसोई से चली गई। निकिता अपना सा मुंह लेकर कमरे में आई तो मयंक ने कहा, अरे क्या हुआ सहरा, ऐसा क्यों बना हुआ। फिर माँ ने कुछ कहा, ये माँ भी ना जाने कब समझेगी, ना सास को समझी ना बहू को समझ रही। पता नहीं पापा कैसे सब कुछ बर्दाश्त करते रहते। देखना जिस दिन पानी सिर के ऊपर हुआ तो घर में दो हिचे ना हो जाए। मयंक ने गुस्से में कहा, आप बिना बेकार में माँ को कोस रहे हैं। किसी किसी की आदत होती है जब तक काम पूरा ना हो जाए वो पीछे पड़ जाते। चलिए अब सो जाइए, कहकर निकिता सोने की कोशिश
करने लगी। निकिता का पांचवा महीना चल रहा था, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं थी, तो सारे काम कर लेती थी, पर जब भी आराम करने का सोच कर कमरे में लेटने आए सासू माँ, सारे काम खत्म करके जाने बोलती, थोड़ी मदद करती, पर उनकी आदत थी सब कुछ उनके हाथ में थमाई जाए। मसलन पानी का गिलास भी खुद से नहीं ले सकती थी, जब तक निकिता उनके हाथ में गिलास न थमा दे वो प्यासी बैठी रह जाएगी। एक दिन निकिता रसोई में काम कर रही थी, उसकी दादी सास के पास सासू माँ बैठ कर बात कर रही थी। उनके पीने का पानी खत्म हो गया। सास निकिता को आवाज देकर बोली, पानी दे जाओ। निकिता आटा गूंथ रही थी, उसे आने में देर होने लगी, तो सास जोर जोर से बोलने लगी, पानी लाने में इतनी देर कर रही हैं, इतने में किसी की जान चली जाए, पर ये सुन नहीं सकती। निकिता जल्दी से हाथ धोकर पानी लेकर आई, जल्दी जल्दी कमरे में पहुंच कर जग मेज पर रख कर जाने लगी, तो न जाने कैसे पैर पास रख के स्टूल से टकराया और वो कमर के बाल गिर गई। दादी सास और सासू माँ दोनों मिलकर निकिता को सहारा देकर उठाई और सासू माँ बोली, देख कर सलना साइये ना, कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन पर भागने की जल्दी थी वो। माँ जी घेंस पर सब्जी सड़ा रखी थी, आप जल्दी आने बोली तो मैं जल्दी जल्दी आ गई, इस हालत में जल्दी जल्दी नहीं हो पाता माँ, मैं कोशिश तो करती हूँ पर आप जैसा चाहती वो मुझसे नहीं हो पा रहा, कह कर रुवांची हो निकिता वहाँ से चली गई। देखा बहू आज निक्की बहू को कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हारी इस आदत की वजह से उसे कुछ हो गया तो तुम खुद को माफ कर पाओगी। मैं तो पहले भी तुमको समझाया करती थी, हर वक्त सरपट भागते भागते काम मत करो, पर तुम तो मुझे भी चुप करा देती थी। आज इसे कुछ परेशानी हुई तो मैं मयंक से कुछ ना सिपाऊंगी, तेरी इन आदतों से वो भी परेशान रहता है, पर माँ हो ना बोल नहीं पाता। दादी सास ने सास को समझाया, सास को सहरा उतर गया था, अगर आज निकिता को कुछ हो जाता तो दूसरे दिन से निकिता को सास ने कहा, निकिता बहू तुम ठीक तो हो ना, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, बहू अब से तुम जितना काम कर सको करो, फिर आराम कर लिया करना, आज से भाग भाग के काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरी आदत है जो भी काम करने हैं वो खत्म करके सहन पड़ता। वही मैं जब ससुराल आई तो सास को कहती, जल्दी खा लो नहा लो, सब परेशान
मन होते, पर आदत थी जो जाती नहीं। पर कल मुझे लगा अगर इस जल्दबाजी के चक्कर में कुछ हो जाता तो खुद को माफ नहीं कर पाती। सास की बात सुनकर निकिता के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। निकिता सास की बात सुन खुशी से दादी सास के कमरे में गई तो दादी सास ने कहा, आज तो निक्की बहू का चेहरा देखकर लग रहा है सास ने बड़ा प्यार दुलार किया है। क्यों निक्की बहू, देख आज झूठ मत बोलना, सहरा सब कुछ व्यक्त कर देता है और तेरे चेहरे पर ये खुशी बड़े दिनों बाद आई है। आप सच में ग्रेट हो दादी, मेरे चेहरे से पकड़ लेती हो, कब खुश हो तो कब दुखी। हाँ दादी, आज मैंने कहा भाग भाग कर काम नहीं करना, आराम भी कर लेना। चेहरे पर मासूम और भोली सी मुस्कान लिए निकिता ने कहा और दादी सास के गले लग गई। कुछ लोगों की आदत होती है जो काम करना वो खत्म करके ही दम लेते, ऐसे में वो दूसरों से भी यही उम्मीद करते, पर सब का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। ऐसे में थोड़ा मन मुटाव परिवार में होने लगता, वक्त पर संभल जाए तो स्थिति बिगड़ने से बच जाती।